हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक अजर्शन है, एक रीजन अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अजर्शन कहता है, बफर सिस्टम ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स। रीजन लिखता है, इट मेंटेन्स द पीएच टू ए कॉन्स्टेंट वैल्यू अबाउट 7.4। सो देखिए, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3, ठीक है, और इसके साथ में हमने क्या लिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, दैट इज NaHCO3। सो दोनों के बीच में क्या है, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो ये क्या है, एक वीक एसिड है, ये क्या है, सॉल्ट है, ऑफ सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। जो भी वीक एसिड लिया है उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनाया है उसका सॉल्ट ले लिया है, तो ये दोनों क्या करेंगे, बफर सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, और वो बफर कौन सा होगा, एसिडिक बफर होगा, एसिडिक बफर होगा, क्योंकि आपने वीक एसिड लिया है ना, इस वजह से एसिडिक बफर होगा। तो ये कह रहे हैं कि एसिडिक बफर जो होता है, दैट इज यूज टू प्रेसिपिटेट आउट द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द थर्ड ग्रुप एलिमेंट। तो जब हम केटाइन के एनालिसिस करते हैं, तो उसमें थर्ड ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके एल्यूमिनियम होता है, क्रोमियम होता है, फेरिक होता है, तो उनका जो प्रेसिपिटेशन होता है वो हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में होता है। सो कह रहे हैं कि ये बफर हम इस्तेमाल करते हैं, ये फॉल्स है। जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनकी प्रेसिपिटेशन के लिए इस्तेमाल करने वाला जो सिस्टम होता है, दैट इज NH4Cl एंड NH4OH होता है, ये बेसिक बफर हम इस्तेमाल करते हैं, ना कि एसिडिक बफर इस्तेमाल करते हैं। सो इस वजह से एजर्शन फॉल्स हो जाता है। बट ये इन्होंने सही लिखा है रीजन में कि ये जो एसिडिक बफर है सोडियम सॉरी कार्बोनिक एसिड का एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये सच में एक कॉन्स्टेंट पीएच देता है 7.4 के अराउंड, तो ये बिल्कुल ट्रू है। सो एजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।